अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। तो फ्रेंड, आज आप दोस्तों के लिए एक नई वीडियो है जिसमें आज हम हॉट 10 प्ले का 4G सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेट को मैंने जो है वो पहले से ही ओपन किया हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये पैनल रिप्लेस करने के बाद इसका जो है वो सर्वर्स प्रॉब्लम आ गया। तो आज हम इसका सोल्यूशन करेंगे। इसका जो है वो 4G वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे अभी हमने इसके अंदर जो है सिम इंस्टॉल करते हैं। सिम इंस्टॉल करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पे इस पे 2G और 3G है वो वर्क करता है, लेकिन यह है कि अभी इस पे 3G और 2G वर्क भी नहीं करेगा क्योंकि हमने इसका जो बैक कवर है वो उतारा हुआ है, जिसकी वजह से अभी इसमें सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो आज हम इसका सोल्यूशन करेंगे। अभी इसमें 2G तो 3G तो वो वर्क कर रहा है, लेकिन इसका जो 4G है वो इसमें बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। तो उसका सोल्यूशन मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। बहुत ही छोटा सा और इजी सोल्यूशन है, ठीक है। ये प्रॉब्लम इसमें जब सेट ड्रॉप हुआ था तो उसके बाद इसमें ये प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो एक एंटीना था जो लगा हुआ था पिन एंटीने की, वो यहाँ से डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से इसमें 4G सिग्नल जो है वो नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे अभी हमने एक जम्पर करना है, या आप किसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इसका जो है पिन लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले इसका एक दफ़ा से यहाँ से जम्पर करूँगा। तो जम्पर इसमें हम लगा के कॉपर की कोई भी वायर लगा के हम चेक कर लेंगे कि हमारे जो सिग्नल है वो आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे अभी बिल्कुल एक सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल एक सिग्नल। तो यहाँ पे अभी हम इसका एक जम्पर दोबारा से करते हैं, करके यहाँ पे अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये इसकी एक लाइन आ रही है, उस लाइन में एक क्लस्टर लगा हुआ है, जो उस क्लस्टर के साथ आप लगाएंगे तो आपके जो सिग्नल है वो तकरीबन फुल आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2G वर्क कर रहा है, ये भी इसका 2G चल रहा है, ठीक है। अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे इसका ऑटोमेटिकली 4G जो है वो वर्क करना शुरू हो जाएगा। वो देखें, अभी इस पर 4G आना शुरू हो गया है, और 4G के जो सर्विस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी बिल्कुल फुल आ रही है। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम है इसमें था, जिसकी वजह से इसमें 4G जो बिल्कुल वो वर्क करना छोड़ गया था। तो बस टाइम ये छोटा छोटा ये फॉल्ट भी आ जाता है इनमें, जिसकी वजह से। तो अभी हम इसको यहाँ पे करते हैं पैक जम्पर से ही अच्छा सा लगा के। तो इसको हम यहाँ पे अभी कर देंगे फिक्स, और फिर चेक करते हैं कि हमारा जो है 4G प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो फॉल्ट था जो हमारा, वो यहाँ से क्लियर हो चुका है। जम्पर हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा मजबूत, और ये जम्पर हम जाके लगा देंगे उधर जो बैक कवर का एंटीना लगा हुआ है उसी एंटीने में। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं पैक, पैक करके स्क्रू वगैरह इसमें हम लगा देते हैं। तो आगे इसका मैं तरीका आपको बताऊँगा कि आपने जो है वो इसका जो सोल्यूशन है वो एंटीने का जो जम्पर करेंगे उसको आपने अगर मजबूत करना है तो मैं आपको आगे तरीका बता देखूँगा। आपने उस तरीके से इसको जम्पर को फिक्स करना है, और फिक्स करेंगे तो भी डैमेज नहीं होगा, ठीक है। बस टाइम होगा कि अगर आप सेट बंद करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काविया से जम्पर को यहीं पे रख दिया है, और यहाँ पे आपने इसके ऊपर काविया रख देना है, ठीक है। यहाँ पे तो चले आपका थोड़ा सा जम्पर जो होगा वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, वो जल्दी जो है वो डैमेज नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ से इसको एक्स्ट्रा जो है काट देंगे, और यहाँ से हम इसको सोल्ड करके, यहाँ से भी हम इसको सोल्डिंग करेंगे, ठीक है। जम्बर को हम यहाँ से सोल्ड करेंगे, और वहाँ पे जहाँ पे हमारा इसका सामने का पॉइंट जाके अटैच होता था एंटीने के साथ, जो पिन हमारी अटैच होती थी बिल्कुल उसी के ऊपर हम इसको जाके जम्पर कर देंगे। तो उसके बाद हम कवर को, बैक कवर को बंद कर देंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे हम इसका ये बनता है इस साइड वाला जम्पर, तो यहाँ पे हम इसको सोल्ड कर देंगे। ये देखें यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट सोल्ड कर लिया, ये हमारा सोल्ड हो गया। अब हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो ऑफ क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे 4G के सिग्नल जो है वो फुल वर्क कर रहे हैं। सिम निकाल के हम बैक कवर को प्रॉपर फिटिंग में कर देंगे। तो यही वीडियो थी आप दोस्तों के, जो आज मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। अगर आप दोस्तों ने मेरा डायग्राम्स वगैरह मोबाइल के या किसी भी किस्म के डायग्राम्स वगैरह आपने चाहिए हो तो आप सब दोस्त नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक लेके आप मेरे डायग्राम वाले ब्लॉग में जाके आप डायग्राम्स वगैरह चेक कर सकते हैं।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।